अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं YouTube चैनल खिजरियात 1122। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि भाई हम लोग जब तक यहाँ पे एक नहीं होंगे तो ये डिलीवरो तो क्या ये कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे बहुत सारे दोस्त भाई जो के मतलब यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं कि बोल रहे हैं कि ईद के दिन हम लोग ऐप लॉगिन नहीं करेंगे डिलीवरों की, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग एक दिन ऐप लॉगिन नहीं करेंगे तो ये खुद कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा ना इस चीज़ का। जब 1000, 2000, 3000 तक 500 तक राइडर भी बैठ जाएगा ना, तो ये खुद रास्ता निकालेंगे कि जैसे आप बोलते हो हम वैसे ही करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज हम लोग चुप कर जाते हैं तो ये कल को हमारे ऊपर ज़्यादा चढ़ाई करेंगे डिलीवरो, या आज तो डिलीवरो रेट कम कर रही है, कल को कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे वो हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे कि ये इस तरह नहीं इस तरह करना है। तो इससे अच्छी बात हमारे लिए यही है कि हम लोग एक हो जाएं अभी से ही, और इनको पता चले कि हाँ भाई वाकई जो बाइक राइडर्स हैं वो एक हो चुके हैं, अभी हमें कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो ईद के दिन इंशाल्लाह कोई दोस्त भाई मेरा जो है कि डिलीवरो की ऐप लॉगिन नहीं करेगा। बहुत सारी कंपनियों के जो दोस्त भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इकट्ठे हो चुके हैं कि वो यही बोल रहे हैं कि भाई हम ईद के दिन स्ट्राइक करें यहाँ पे, कोई बंदा कोई दोस्त भाई लॉगिन ना करे ऐप डिलीवरो की तो ये खुद ब खुद रास्ता निकलेगा। अब जैसे कि आपको पता है पहले पेट्रोल 3.66 चल रहा था, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है इस मई को, मई की पहली डेट को जो है कि पेट्रोल वो 4.00 पे जा रहा है। तो भाई पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, तो इसलिए हमें एक होना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी। नहीं तो आज तो ये डिलीवरी रेट कम कर रही है, कल को कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि हाँ भाई ये इस तरह नहीं इस तरह काम करना है, वो भी सौ कुछ कर सकता है हमारे साथ। तो इससे अच्छी बात यही होगी हमारे लिए कि हम पहले से ही सुधर जाएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब दोस्त भाई एग्री होंगे, जो जो ये दोस्त भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि ईद के दिन कोई दोस्त भाई डिलीवरो की ऐप लॉगिन ना करे, तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर ये क्या करते हैं। और बहुत सारे दोस्त भाई बोल रहे हैं कि यार अगर हम लोग ड्यूटी पे ना गए ऐप लॉगिन ना की तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा मतलब फाइन डाल देंगे कि भाई आप लोगों ने ऐप लॉग क्यों नहीं की, ईद के दिन छुट्टी क्यों की। तो मेरे भाई यहाँ ये कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं कर सकते हमारा, अगर आप मजबूत हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वीज़े के पैसे जो हैं वो हमने खुद पे किए हुए हैं, उसके बाद जो लाइसेंस के पैसे हैं वो हमने पे किए हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्टरों की क्या कि भाई आप ड्यूटी पे नहीं जा रहे, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे ऊपर ये लोग फाइन डालें, और इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये हमें बोलें कि भाई ड्यूटी पे जाओ। भाई हमने वीज़े के पैसे खुद पे किए हुए हैं, लाइसेंस के पैसे खुद पे किए हुए हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर ये जॉब दे के। अगर ये लोग जॉब ना भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी देने वाला वो नीली छत वाला है, इनके हाथ में होती तो ये कब का मार देते ये बाइक राइडरों को, ये तो बाइक राइडर को बाइक राइडर भी नहीं समझते। अगर कहीं हाँ जब मैं नया नया इस जॉब में आया था तो मेरे साथ क्या हुआ था मैं आज आपको बताता हूँ। जिस कंपनी में मैं था ना, हकीकत में मैं कसम उठा के कहता हूँ, पहले दिन जो है कि इन्होंने इंटरव्यू होता है डिलीवरों का 3 दिन का, तो वो मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो और परसों 1 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जो कि बाइक मेरी टैक्सी में जा लगी थी। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ बाइक तो मतलब पहले से ही पुरानी थी, क्या नाम है हंक बाइक है, कंपनी हंक नाम है उसका, तो वो कम से कम यहाँ के जो है 1500 की बाइक होगी, उससे भी कम थी भाई, वो चलने में भी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो सही तरीके चल पाए। लेकिन वो बाइक जो है कि उसमें गलती भी टैक्सी वाले की थी, तो मेरी मैं सीधा जा रहा था रोड पे, तो आगे टैक्सी वाला निकला पार्किंग से, तो मैं उसके आमने सामने जा लगा। लेकिन मैंने अपनी कंपनी को कॉल की कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है वर्षा वन में, और कसम खुदा की ये
कौन सा महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है आप सब दोस्तों भाइयों को, ये मैं सच बोल रहा हूँ कि भाई जो मैं कंपनी को जब मैंने कॉल की तो कंपनी ने पहले क्या बोला कि भाई बाइक तो ठीक है, ये लोग इंसान से बाइक राइडर से ज़्यादा ये अपनी बाइक को अहमियत देते हैं और आप लोग इनसे डर रहे हो। नहीं, ये कभी मत सोचना कि भाई हम लोग क्या छुट्टी कर रहे हैं तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमें निकाल देंगे। भाई ये तो पहले ही बाइक पे फोकस करते हैं कि जब भी कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये पहले बाइक देखेंगे कि बाइक का क्या हुआ। ये इनको जो है कि बाइक राइडर्स की इतनी जो है फिक्र नहीं है जो कि इनको अपनी बाइक की फिक्र होती है। तो आप लोग बोल रहे हैं कि ये हमें ड्यूटी से निकाल देंगे। भाई ड्यूटी से ये एक निकाल देगा कॉन्ट्रैक्टर, कितने हज़ारों कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, हज़ारों कंपनी है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप लोग मजबूत हैं, हम लोग मजबूत हैं तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इसलिए मेरी आप सब दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ईद के दिन जो कि कोई दोस्त भाई मेरा ऐप लॉगिन नहीं करेगा तो इसमें हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है और हमारे घर वालों का भी फ़ायदा है इसमें, क्योंकि हम यहाँ पे अपने घर वालों के लिए कमाने आए हैं। तो यहाँ पे हम पूरा दिन मेहनत करें, आपको पता है गर्मी यहाँ पे कितनी पड़ती है, हद से भी ज़्यादा पड़ती है। अगर ये लोग इनको कहें कि कॉन्ट्रैक्टरों को कि 10 मिनट के लिए इस जो आजकल गर्मी पड़ रही है 10 मिनट के लिए बाइक लेके हेलमेट डाल के एक सिग्नल पे खड़े हो जाएं, कसम खुदा कि इनके ये कॉन्ट्रैक्टर तो क्या इनके बाप भी नहीं मानेंगे कि हम हाँ भाई जाते हैं, कोई भी नहीं मानेगा कि हम 10 मिनट तो क्या हम 2 मिनट के लिए नहीं जाते, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। जब हेलमेट पहना होता है तो कितनी गर्मी होती है आप सब दोस्तों भाइयों को पता है, जो जो भाई बाइक राइडर्स का काम कर रहे हैं और जो तो नहीं कर रहे उनको तो नहीं पता, लेकिन उनके लिए भी यही पैगाम है कि भाई यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है कि जब हम सिग्नल पे जाके खड़े होते हैं और सिग्नल बंद हो जाता है तो भाई हमें पता है कि हमारे साथ क्या होता है। और कॉन्ट्रैक्टर्स वो है, अगर हमारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये क्या बोलते हैं कि क्या हमारी बाइक ठीक है, ये पहले बाइक पे फोकस करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ईद के दिन कोई दोस्त भाई जो कि डिलीवरो की ऐप लॉगिन नहीं करेगा, आप सब भाइयों से दोस्तों से रिक्वेस्ट है ये मेरी, मैं भी एक बाइक रख रही हूँ भाई, इसमें एक मेरा फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का भी फ़ायदा है। वैसे अगर हमारा किसी का मसला चल रहा होगा, किसी के साथ ऊंच नीच हो रही होगी, हम पहली साफ में खड़े हो जाते हैं। अगर आज हमारे ऊपर ये टाइम आया है तो हमें भी एक होना चाहिए, हमें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, दूसरों के लिए तो हम उठाते हैं लेकिन ये अभी जो टाइम है ये हमारे ऊपर आया हुआ है और अब हमें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।